वेलकम टू चैनल डेली बिजनेस, और डेली बिजनेस स्वागत करती है अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। सो फ्रेंड्स, एक अपडेट है रिगार्डिंग फ्रॉड्स जो कि स्पाइस में रिटेलर के साथ हो रहे हैं और मैक्सिमम लोगों के पास अभी कॉल आ रहा है। ये पता नहीं कैसे हो रहा है, बट अभी इसके डिटेल में थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहेंगे फ्रॉड के रिगार्डिंग। चैनल पर नए हो पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो फ्रॉड कैसे हो रहा है उम्मीद में आ गया, आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा क्या करना है, कैसे हो, इससे सोल्यूशन मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा। तो गाइस, यहाँ पे फ्रॉड के लिए सबसे पहले तो ये आपको एक लिंक भेजेंगे, बोलेंगे आपके नाम पे केवाईसी है स्पाइस मनी का, और केवाईसी के तौर पे एक अननोन नंबर से लिंक भेजेंगे, कुछ इस तरह का नंबर जिस पे कुछ भी नहीं लिखा होगा, बस नंबर ही होगा, और आई थिंक वो आपको कॉल भी करे। तो सबसे पहले तो इस कॉल को आपको इग्नोर करना है, कोई भी केवाईसी से रिलेटेड कॉल आए डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा तो आप उसको इग्नोर करना, ठीक है गाइस। और अगर केवाईसी का उधर से भी कॉल आता है तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी इन्फॉर्मेशन होगा आई थिंक, जैसे हमारे पास केवाईसी आती है तो हमें ईमेल पे भी आती है, एसएमएस पे भी आती है, और हमें ऊपर से भी कॉल किया जाता है कि आपका केवाईसी पेंडिंग है, आप कर लो केवाईसी। बट उसमें भी कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी के लिए तो अगर केवाईसी के रिगार्डिंग कोई भी कॉल आए तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लेना, उसके बाद ही आप केवाईसी के बारे में पूछना। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरह का मेल भेजेगा, डियर कस्टमर स्पाइस मनी, और यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड बाय क्लिक हियर दिस लिंक। इस लिंक पे आप अच्छे से गौर करना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, https://salespicemoney64 कुछ लिंक है, और इसके अलावा कुछ लिंक है डॉट अधिकारी लिखा हुआ है। तो ऐसा वैसा कोई भी लिंक से स्पाइस मनी केवाईसी नहीं लेता है, जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा स्पाइस मनी अगर केवाईसी लेता है तो कैसे लेंगे। तो ऐसे जितने भी लिंक्स आते हैं आप इनको इग्नोर करना, और कोई भी कॉल आता है इनको इग्नोर करना। वो आपको बोल सकता है कि आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा, बट कोई भी टेंशन मत लेना, आपका आईडी ब्लॉक वो लोग नहीं कर सकते, कंपनी के अलावा कोई भी आईडी ब्लॉक नहीं कर सकता, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। तो बाकी केवाईसी से रिलेटेड अगर कोई भी कॉल आता है तो उसको इग्नोर करना, और जो भी आपको कुछ पूछना है तो डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट करके पूछ लेना, ठीक है। तो इतना छोटा सा अपडेट था, बाकी मैं डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसके ऊपर दो तीन टॉपिक में आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो बाकी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, लोकल के लिए आईडी लेना चाहिए तो स्पाइस में कॉन्टेक्ट करके प्रोसेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।